ऑल ऑफ यू, स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस। एंड द फर्स्ट न्यूज है आज की, इट इज अबाउट अ लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या है कि चाइना में जो एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कई जगह पे, इवन की चाइना के कई प्रोविंसेस में, फॉर गिग एंड जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए, ठीक है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए कुछ लॉज लेके आए, कुछ इसमें उन्होंने चेंजेस किए। तो बेसिकली प्रोटेस्ट किस लिए किया गया कि ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको जो है एक तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, इनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी नहीं मिल रहे, और इनको जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है, अब कहीं भी हम जॉब करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है, इंश्योरेंस, हेल्थ और फिर पेंशन, इन सारी बातों से इनको बिल्कुल ही दूर रखा जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, और जिसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में है, चाइनीज़ गवर्नमेंट, और वो इनके लिए लॉज जो है या अलग अलग पॉलिसी चेंजेस जो है वो लेके आ रहे हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए और इंडिया में क्या क्या हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में भी सितंबर 2021 में एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली इसी पर्पस के लिए कि जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डिक्लेयर कर दो, सो दैट वो अनऑर्गेनाइज्ड सोशल जो सिक्योरिटी एक्ट है 2008 के उसके अंडर आ सकें, और इस पिटीशन के अकॉर्डिंग उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। तो ये एक पिटीशन फाइल की गई है और ये एक सीरियस इशू चला हुआ है इनका, क्योंकि इनको अभी जो हम देखें अगर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको इंडिपेंडेंट बिजनेसेस के तौर पे ऐसे रजिस्टर करते हैं, ये इनको एज एम्प्लॉयज नहीं ट्रीट किया जाता, जो एक फॉर्मल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है उसके अंडर ये नहीं फॉल करते। तो जिस वजह से जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, एक कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं अपनी एम्प्लॉय के लिए, वो इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें तो अभी ये जो हैं कि ये जो गिग वर्कर्स का काम है ये टॉप 10 ऑक्यूपेशंस में फॉल करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। और चाइना में जो चाइना और इंडिया में डिफरेंस है कि चाइना में जो लोग हैं वो जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेकर। इंडिया में भी पब्लिक अवेयर है ऑफकोर्स, लेकिन इंडिया में जो पब्लिक है वो कभी भी ऐसे गिग वर्कर्स के लिए डिमांड करे, प्रोटेस्ट करे, ये हमने नहीं देखा। जबकि चाइना में जो है ये बेसिकली जो जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर है, वो इसी वजह से कि जो आम लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो भी गिग वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही है और वो भी उनके लिए बेटर कंडीशंस डिमांड कर रही है। ओके, तो वहाँ का एक जो है एक चाइनीज मैगजीन है रेनवू, तो उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ डिलीवरी राइडर्स, और ये कहा जाता है कि वो आर्टिकल जो है वो 200 मिलियन टाइम्स शेयर किया गया सोशल मीडिया पे। तो ये इतना मतलब वहाँ की पब्लिक इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस जो है ले रही है। ओके, इन अर्ली 2021 इन सक्सेसिव स्ट्राइक स्पैनिंग ओवर 2 मंथ्स डिलीवरी वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो वहाँ पे डिलीवरी वर्कर्स ने कई जगह प्रोटेस्ट किया। ओके, और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले अगर हम तो उन्होंने कई जगह ऐसे प्रोटेस्ट किया कि भाई ये जो है ये सारी चीज़ें गलत चली हुई हैं, एंड उन्होंने ये भी बोला डिलीवरी वर्कर्स का ये कहना था कि जो हमारी ऐप्स होती हैं जैसे जोमेटो की ऐप होगी, स्विगी की ऐप हो गई, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं सो दैट जो हैं जो ये डिलीवरी वर्कर्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए भी और डिलीवरीज वो उसके लिए भी, तो इनके ऊपर ही इनको ही अल्टीमेटली हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी जाती है। ओके, तो इस वजह से वहाँ पे कई सारे ऐसे स्ट्राइक्स चल रहे हैं कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट, कई जगह पे स्ट्राइक्स हुए और कई आर्टिकल्स भी लिख लिए। एज इट एंडेड विद स्टेट्स असर्टिंग, उसके बाद जो है स्टेट ने, वहाँ की चाइनीज जो स्टेट है उन्होंने असर्ट किया कि भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप जो है जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। विद द स्टेट असर्टिंग इंक्रीज्ड कंट्रोल ओवर मेजर टेक कंपनीज, ठीक है, स्टेट का जो है कंट्रोल, स्टेट ने लॉज पास कर दिए एंड मेजर इंक्लूडिंग फॉर एलिजिबली अब्यूसिंग इट्स डोमिनेंट मार्केट, और उनको एलिज भी किया गया कंपनीज को कि भाई आप ही अपनी मार्केट कंडीशन वो कर रहे हो। तो अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो कॉमन प्रॉस्पैरिटी का प्रिंसिपल फॉलो कर रही है वाइडनिंग, क्योंकि और वो ये जो वेल्थ गैप है उसको नैरो करना चाहती है, तो उसके ऊपर काम कर रही है। और चाइनीज गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो कंपनीज हैं दे मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ डिलीवरी वर्कर्स एंड इंश्योर दैट दे टर्न एटलीस्ट अ मिनिमम वेज विद सोशल अश्योरेंस, ये फिक्स होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर ऐसा कोई रिफॉर्म आएगा भी तो वो डिलीवरी वर्कर्स की वजह से ही आएगा, पब्लिक की वजह से नहीं। पब्लिक इसमें ऐसे ओपनली पार्टिसिपेट करेगी ये हम इंडिया में ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते,
और 2020 में भी अप्रोक्सीमेटली 3,000 स्विगी वर्कर्स ने एक तरह से प्रोटेस्ट किया कि उनकी जो पहले डिलीवरी चार्जेस थे उनको 35 रुपीज पर डिलीवरी मिलते थे, अब सिर्फ 15 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये भी कहा गया कि भाई ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, तो इस चीज़ को लेकर एक काम से काम चला हुआ है। तो अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना में यही डिफरेंस है कि इंडिया में कभी भी जनरल पब्लिक जो है इसके लिए अभी तक तो जनरल पब्लिक ने कभी वॉइस रेज जो है नहीं की। द बिगेस्ट लेसन तो हम चाइना से क्या सीख सकते हैं, इस वेलो पब्लिक ओपिनियन दैट हैज लेड पार्टली टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड चेंज इन कंपनी पॉलिसी। ठीक है कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से ही गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया और पॉलिसीज में चेंज किया। इवन यूएस में भी गिग वर्कर्स ने लोगों को एक इंस्टाकार्ट ऐप, जैसे हमारे यहाँ पे जोमेटो स्विगी है, तो यूएस के जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने आम लोगों को कहा कि आप जो अगर आप हमारे प्रोटेस्ट के साथ हो तो आप इस ऐप को अपने उससे हटा दो, ठीक है, अपने ऐप से डिलीट कर दो। तो ये भी यहाँ पे भी एक तरह से पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडियंस कुड ऑल्सो मेक एन एफर्ट टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वे प्लेटफॉर्म वर्क्स बाय सीकिंग आउट डिलीवरी वर्कर्स एंड आस्किंग अबाउट देयर वर्क कंडीशंस एंड प्रेशर दे फेस। तो इंडियंस को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो वर्कर्स हैं ये कैसे काम करते हैं, क्या इनके ऊपर प्रेशर होता है और कैसे कैसे ये इनका सिस्टम जो है चला हुआ है। गिग वर्कर कौन होते हैं, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड ऑन अ टाइम टास्क बेस्ड मैटर। ठीक है, एक तो होता है कि कंपनी में आप जा रहे हो 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, डेली जा रहे हो। गिग वर्कर होते हैं कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर किया गया है और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे सपोज एक प्रोजेक्ट कोई असाइनमेंट बनाने को दे दी किसी ने, आपको उसके लिए वो पे करेंगे, तो वो कभी भी आप बना के दे सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग गिग वर्कर इसको हम कह सकते हैं। 15 मिलियन फ्रीलांसर्स वर्कर हैं अलग अलग सेक्टर्स में। ब्रेकडाउन ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के इसको ब्रेक करें तो सबसे पहले तो हायर स्किल फ्रीलांसिंग आईटी में। ठीक है, आजकल हर कोई आईटी सॉफ्टवेयर, ये जो डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ये सब कुछ है, फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो रही है। पर्सनल सर्विसेज, केयर, वेलनेस, टीचिंग, ठीक है, केयर में भी अर्बन क्लैब करके जैसे ये एप्स हैं, ठीक है, तो ये घर पे आके आपको सर्विसेज देंगे और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो यू चूज कर सकते हैं। राइड शेयरिंग, ठीक है, जैसे उबर वगैरह हो गए। लो स्किल गिग वर्कर, ये डिलीवरीज, ये सब, ये सारे जो हैं गिग वर्कर्स को हम ऐसे कर सकते हैं। की प्लेयर्स इन इंडिया गिग इकॉनमी, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, डिलीवरी, ठीक है, अर्बन कंपनी, ये सारे कुछ जो हैं हमारे यहाँ पे गिग वर्कर्स जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा चले हुए हैं। ठीक है, तो इनके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स ऑन मास स्केल पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने के लिए, फ्रीडम है, आप कभी भी काम कर सकते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पे ऑफिस नहीं जाना। ईजी एक्सेस टू सर्विसेज कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है और इसमें कंपटीशन बहुत है, तो प्राइस बहुत जो है उसमें कंपटीशन रहता है, तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि कम से कम प्राइस पे आपको सर्विसेज दें। अगर हम डाउन साइड की देखें तो सर्विसेज कंसिस्टेंट नहीं है कि सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, डिफिकल्टी टू सर्व, ये जो कस्टमर के लिए एक डिफिकल्टी होती है कि उनके ऊपर ट्रस्ट करना। गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं, हाईली अनरेगुलेटेड, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कोई जॉब स्ट्रक्चर, टैक्स, प्राइवेसीज के ऊपर कोई जो है पॉलिसीज नहीं है। क्लियर, तो यही है। तो गिग वर्कर्स को अगर हम देखें जो आर्ली और पार्ट टाइम जॉब्स, ऐसे केटरिंग, इवेंट्स, थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे गिग वर्कर्स आएंगे। नॉन स्टैंडर्ड वर्क एग्रीमेंट होगा इनका, ये ट्रेडिशनल जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर होंगे। वर्क इज टेम्पररी एंड कम्प्लीटेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। फ्रीलांसर्स, कंटिजेंट वर्कर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गिग वर्कर्स। इवन अ पार्ट टाइम प्रोफेसर कैन बी क्लासिफाइड एज अ गिग वर्कर। अगर हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स का देखें तो ये गिग वर्कर्स दो तरह के होते हैं, प्लेटफॉर्म, ठीक है, और नॉन प्लेटफॉर्म। नॉन प्लेटफॉर्म जैसे कोई इंडिविजुअल है, सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, वो घर पे अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म, कोई उबर, कोई स्विगी, कोई उसके ऊपर नहीं काम कर रहा। ठीक है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल, वो कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं काम कर रहा, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, देन इट इज नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वही गिग वर्कर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे ओला, स्विगी, जोमेटो, इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, तो ये गिग का ही एक तरह से हम कह सकते हैं। गिग वर्कर्स दो तरह के हो गए, कोई इंडिविजुअली बिना किसी प्लेटफॉर्म के काम कर रहा है तो वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म वर्क, नॉन प्लेटफॉर्म, और एक जो प्लेटफॉर्म पे करते हैं वो हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर्स। क्लियर, तो यही कहा गया है कि इंडिया को अब इनसे जो चाइना में जो है इनकी जो, इंडिया में भी सेम ही है, इनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में भी जो पब्लिक है उसको ज़्यादा अवेयर होना होगा ताकि इनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको थोड़ा बेटर जो है बनाया जा सके। ओके, इन कहा जा रहा है कि इनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंडर लेके आओ। तो ये एक्ट क्या है,
It is an act of parliament to provide social security and welfare of unorganized workers. Unorganized workers means home-based workers, self-employed workers, or daily wage workers. The act provides constitution of National Social Security Board at central level. ये जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, ये जो है ये अलग अलग तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आएगा, जैसे लाइफ कवर, हेल्थ कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन. ये जो सारे गवर्नमेंट जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स डिटरमाइन करेगी. और ये जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, इसका पर्पस होगा कि ये जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो सके. ओके, तो इंडिया में एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी है जो 2009 में बनाया गया, जो इन वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली काम करता है. तो वही पिटिशन फाइल की गई है कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनको इस एक्ट के अंडर तो ले आओ, सो दैट ये नेशनल सिक्योरिटी जो बोर्ड है वो उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस जो है कर सके. इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी. तो बेसिकली एक डेटा आया है, तो एक रिपोर्ट है ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है. तो उसमें ये कहा गया है कि इंडिया में जो अभी भी जो फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी बैंक्स हैं, अगर वो जो फाइनेंसिंग देखें तो आज के डेट में जो फाइनेंसिंग है वो अभी भी बेसिकली हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं या फिर जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज नहीं हैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं हम. ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो क्रेडिट है जो लोन्स हैं वो जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सेक्टर्स को ही दिए जा रहे हैं इन्हीं की डेवलपमेंट के लिए. अगर हम रिन्यूएबल्स की बात करें जो कि फ्यूचर है, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो उसमें जो है ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, उसमें जो लेंडिंग है वो बहुत कम हो रही है. क्लियर? देखो, 60% ऑफ द लेंडिंग टू द माइनिंग सेक्टर वॉज फॉर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन. 1/5 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेट इज फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ठीक है, 1/5 अगर हम इस सेक्टर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डेट देखें तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, तो इतना इन्होंने मतलब क्रेडिट पहले ले रखा है. कार्बन एमिशंस अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दैट इज बाय फार द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एमिशंस, अकाउंटेड फॉर 5.2% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, बट 17.5% ऑफ दिस लेंडिंग इज प्योर प्ले रिन्यूएबल, जस्ट 17.5%. तो अगर 100 rupees जो हैं वो दिए गए हैं फॉर एनर्जी, तो उसमें से सिर्फ 17 rupees रिन्यूएबल के लिए, बाकी सब कोल, पेट्रोलियम, इनके ऊपर ही है. ओके, और एक चीज़ और है कि ओनली 4 of the 10 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब कोई बैंक है वो किसी प्रोजेक्ट को लोन कर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल कृषि को फंड कर रहा है, तो उसमें से सिर्फ 10 में से ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स ही हैं जिनके लिए एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जो है असेसमेंट की जाती है कि इस प्रोजेक्ट का, कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है इसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा, सोसाइटी के लिए क्या होगा ये सही. तो ये जो ESG जो ये नॉर्म्स है, ये रिस्क जो असेसमेंट है ये बिल्कुल ही करी नहीं जा रही, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको फंड करने से पहले ये करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. 2021 में इंडिया ने टारगेट लिया कि हम नेट ज़ीरो अमिशंस तक जाएंगे, बाय 2070 हम नेट ज़ीरो बनना चाहते हैं. तो उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हमें $1 trillion जो हैं वो चाहिए होंगे, एटलीस्ट $1 trillion टू मीट दिस कमिटमेंट. उसके अलावा और क्या कमिटमेंट है कि बाय 2030 जो है, अभी हमारा अगर देखें तो जो भी इंडिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका जो 70% जो रॉ मटेरियल दैट इज कोल, तो 70% कोल वाली एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम. तो इंडिया ने कहा हम इसको 50% तक कर देंगे, 50% कोल से एनर्जी होगी, 50% रिन्यूएबल से होगी बाय 2030. तो ये भी इनका एक टारगेट है. ओके, लेकिन इसके साथ इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें पैसे भी चाहिए, हमें $1 trillion चाहिए, तभी जाके हम ये जो है अचीव कर पाएंगे. ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी हैं वो भी ऑक्शन करने वाली है, और ये एक 40 billion तक का ये जो ग्रीन बॉन्ड है तो ये करेगी गवर्नमेंट ऑप्शन. और इंडिया G20 का प्रेसिडेंट भी है, तो ये भी माना जा रहा है कि इंडिया जो है अब इसको जो सस्टेनेबल फाइनेंस जो फंड हमें चाहिए उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा. हाई कार्बन इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड एविएशन अकाउंट फॉर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये सब हाई कार्बन एमिशन इंडस्ट्रीज हैं. कोल करंटली अकाउंट फॉर 44% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, एंड 70% जो है हमारा प्राइम जो पावर जनरेशन है वो कोल से ही हो रहा है. ओके, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोल शेयर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स है ये 50% तक हमने डिक्रीज करना है बाय 2030. तो इसके लिए हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो कम पोल्यूटिंग हो. द
The financial decisions of the Indian banks and institutional investors are locking the country are more polluting, है ना. अगर आप इन्हीं projects को fund करते जाओगे जो high carbon emissions करते हैं, तो एक तरह से country को आप ज़्यादा polluting बना रहे हो, और जो है energy supply से ज़्यादा, जितने ज़्यादा pollution अगर होगा तो government को उसको कम करने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा. तो एक तरह से ये तो आप खर्चा ही बढ़ा रहे हो government के ऊपर. ओके, तो ये हमें शिफ्ट करने चाहिए हमारे resources toward renewable. इट वुड डिलीवर ह्यूज बेनिफिट्स. इलेक्ट्रिसिटी चीप होगी, एयर क्लीन होगी, और एमिशंस जो हैं वो कम होंगे. तो अब हमें इसकी तरफ मूव जो है वो करना चाहिए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कि कोई ऐसे बॉन्ड जिनको यूज किया जाए तो वो जो इसमें से इन्वेस्टमेंट आएगी. बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलें तो जैसे सपोज करो मुझे बॉन्ड खरीदना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ना. मैं कोई बॉन्ड खरीदना चाहती हूँ, सिर्फ हम अभी बॉन्ड की बात करते हैं. तो मुझे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं. म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, FD हो गया, ये वो. उसके उसमें से एक तरीका होता है बॉन्ड. तो बॉन्ड क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है. तो मैं अब सपोज मैंने गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदा, मैं गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ दे दूंगी और गवर्नमेंट मुझे उसके बदले में एक बॉन्ड देगी, एक पेपर ऐसे देगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि 100 रुपीज़ जो हैं आज आपने दिए तो आज से आपको 5 ईयर्स बाद मिलेंगे, और इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो होगा 5%, ठीक है. तो 5 ईयर्स बाद जो है ये मुझे 105 रुपये जो है मिल जाएंगे वो बॉन्ड दिखा के. तो दिस इज़ कॉल्ड अ बॉन्ड, ठीक है. ये बॉन्ड जो है बैंक्स भी इशू कर सकते हैं, कोई भी, इवन कि हमारी लोकल बॉडीज़ भी इशू करती हैं और गवर्नमेंट भी इशू कर रही है. अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है वो भी इशू कर सकती है अपना बॉन्ड. सपोज रिलायंस है, वो इशू कर सकती है, कोई भी कंपनी. तो अब रिलायंस जो है वो कोई रीनेबल एनर्जी प्लांट लगा रही है. सपोज रिलायंस जो है वो सोलर प्लांट लगा रही है ना. तो अब रिलायंस जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए मार्केट में से जो इन्वेस्टमेंट है वो रेस करती है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स. तो रिलायंस जो है 100 रुपये के बॉन्ड निकालेगी और लोगों को कहेगी खरीदो, आपको 5 साल बाद हम इतने परसेंट इंटरेस्ट पे आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. तो ये जो पैसा आएगा, ये जो बॉन्ड निकलेगा, ये किसको फंड करने के लिए होगा? सोलर पावर प्लांट को. तो ये क्या हो गया? ग्रीन बॉन्ड. ओके, जो भी आप रीनेबल या फिर ग्रीन एनर्जी के लिए यूज करो. व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स? ग्रीन बॉन्ड्स आर यूज टू फंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट देन द रेगुलर बॉन्ड्स. दे वर इंट्रोड्यूस टू एनकरेज कंपनीज टू इन्वेस्ट मोर इन. अब कंपनी को फायदा होगा कि नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसके लिए चलो 3% पे भी आपको फंड जो है मिल जाएगा. ओके, तो वेयर ग्रीन बॉन्ड्स वर्क, रीनेबल एनर्जी के लिए में हेल्प करेंगे, वाटर कंजर्वेशन में, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट, अगर कोई भी इसमें से प्रोजेक्ट लगाना हो तो वो सब किस में आएगा? ग्रीन बॉन्ड में. 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2 बिलियन तक के जो है वो इशू करेंगे. अभी हमने देखा कि 40 बिलियन तक का जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है गवर्नमेंट इशू करने वाली है. ओके, तो ये इसकी थोड़ी सी इसकी गाइड वो है हिस्ट्री. 2017 में सेबी ने इसके लिए गाइडलाइंस इशू किए. जुलाई में जो है जुलाई 2017 में फर्स्ट जो है ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए एलएनटी ने, ठीक है, एलएनटी जो है उन्होंने किए. उसके बाद आफ्टर पोलैंड सेवरल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, फिजी, इंडोनेशिया, आयरलैंड हैव इशूड ग्रीन बॉन्ड्स. तो अभी तक 24 कंट्रीज ये कर चुकी हैं. वर्ल्ड बैंक ने भी ग्रीन बॉन्ड्स को सपोर्ट किया है. येस बैंक इशूज इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वर्थ ₹160 मिलियन. ओके, तो एक्सिस बैंक ने भी इंटरनेशनली ये बॉन्ड्स जो हैं ये लॉन्च जो हैं किए हैं. क्लियर? ESZ क्या होता है? जो हमने देखा कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो है आपको असेसमेंट करनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट. तो एनवायरमेंटल कोई भी प्रोजेक्ट जब भी लगे तो देखो उसका क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, कितना एयर पोल्यूशन करेगा, कितना वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं. सोशल, क्या ये लेबर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, क्या ये जो लेबर इसमें काम करेगी उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है. कम्युनिटी एंगेजमेंट है, कम्युनिटी रिलेशंस कैसे हैं, ये सब. गवर्नेंस, क्या बिजनेस एथिक्स, डेटा सिक्योरिटी फॉलो किया जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब बातें. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये रिस्क जो है असेसमेंट करके ही कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूव या फाइन फंड जो है करना चाहिए. लेकिन हमने देखा कि 4 out of 10 प्रोजेक्ट्स ही अभी इंडिया में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एग्जिम डेटा रिवाइसेस, ट्रेड डेफिशिट नैरोज बाय 10 बिलियन. ओके, तो ये वैसे तो एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में डिफरेंस है वो कम हुआ है. एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट्स थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, इम्पोर्ट थोड़े कम हुए हैं. लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो असेस किया गया था, जो एस्टिमेट था, उससे जो डेटा वो है बहुत ज़्यादा वेरी करता है. ओके, तो जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे उनसे जो डेटा वो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर गया.
तो अब इस वजह से जैसे ऑलमोस्ट जो है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अप्रैल से नवंबर के बीच में 298.3 बिलियन हुए, जो एस्टीमेट था उससे 12 मिलियन ज़्यादा। तो देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग ये 12 मिलियन ज़्यादा हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि ठीक है, ये हम इसके अगेंस्ट नहीं है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, लेकिन अगर हमारा जो भी एस्टीमेट्स हैं तो एस्टीमेट से ही पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे हमने फ्यूचर में एस्टिमेट कर लिया, अभी फ्यूचर में इस सेक्टर में इम्पोर्ट्स कम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को आप फेवर करो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। लेकिन बाद में पता चला कि एक्सपोर्ट्स तो किसी दूसरे सेक्टर में कम थे, पॉलिसी दूसरे सेक्टर के लिए ज़रूरत थी, हमने तो इसके लिए एमई बना दी। तो यही एक बातें हैं कि इससे पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो अब ये जो डेटा कैप्चर करने में है उसमें प्रॉब्लम है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बस यही एक न्यूज़ है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी मेंस में आपसे पूछा जाए कि क्या इश्यूज़ हैं, तो या फिर अगर जो है हमारे जो एस्टीमेट्स हैं अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, अगर पॉलिसी में है, पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस दिस मस्ट बी एविडेंस बेस्ड, इफ द डेटा इज गोइंग हेवायर एंड नॉट बाय अ स्मॉल मार्जिन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, डेटा मेकिंग में, डेटा एस्टिमेशन में, सो दैट जो है कि ये जो प्रॉब्लम है एस्टिमेशन का ये सॉल्व हो सके और पॉलिसीज जो है वो बेटरली प्लान जो है की जा सके। ओके, हम देखते हैं द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर जो है 298.3 मिलियन था 2022 में, जो कि इन्होंने असेस किया था उससे 12 मिलियन हायर। ओके, इम्पोर्ट बिल भी इन्होंने जितना असेस किया था उससे 1.7 बिलियन हायर रहा है। तो ये यही कह रहे हैं, ट्रेड डेफिशिट 10 बिलियन कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस अच्छी बात सिर्फ और सिर्फ डेटा इकोनॉमिस्ट के लिए नहीं है कि अब इनको अपनी डेटा जो भी है, डेटा मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर ज़्यादा जो है दोबारा से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये रखे हैं कि इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट फिगर फॉर सेप्टेम्बर 2022 में बहुत शार्पेस्ट डिविजन आया है। तो पहले 61.1 बिलियन के इम्पोर्ट्स जो हैं उनको असेस किया था, बट एक्चुअल में इट इज़ 64.7 मिलियन। ठीक है, तो एज पर अर्लियर डेटा जो जुलाई 2020 वॉज रेकन टू हैव द वर्स्ट गुड ट्रेड डेफिसिट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ 30 बिलियन, कि जुलाई में एक्सपेक्ट किया गया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स होंगे अगर, और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम होंगे और जो ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई होगा, जबकि हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, इससे उल्टा हो गया। इम्पोर्ट्स जो हैं वो शार्पली डिक्लाइन हो गए 66 से 64 बिलियन, तो इस वजह से ट्रेड डेफिसिट इतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। तो ये जो है कि ये सारी बातें इंडिया के फेवर में, बस डेटा एस्टिमेशन हमें ठीक करना पड़ेगा सो दैट पॉलिसी मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम कॉल्स फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स एंड रिपील ऑफ ऑब्सोल्यूट लॉ। प्रिजन रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा GS2 का। प्रिजन जो है अगर हम देखें तो ये स्टेट लिस्ट में फॉल करती हैं, ठीक है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में से स्टेट लिस्ट में फॉल करती हैं, और प्रिजन्स के बहुत बुरे हाल भी हैं, ओवर क्राउडेड हैं, ठीक है, और भी वेल लोकल जो बेसिक कंडीशंस हैं वो भी सही नहीं हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि जेल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो। उन्होंने बोला कि कुछ बहुत पुराने ऐसे क्रिमिनल लॉज हैं, ऑब्सोलीट क्रिमिनल लॉज हैं, उनको जो है अब रिपील कर दिया जाना चाहिए, उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेड दैट प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड मेकिंग पुलिस फोर्सेज को जो है ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ऊपर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, जो पुराने लॉज हैं उनको ख़त्म कर दो। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी भी हमें स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और जो स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए। ये सारे की सारी बातें आप यूज़ कर सकते हो GS2 में अपना पेपर में, प्रिजन रिफॉर्म वाले आंसर में, कि स्टेट पुलिस सेंट्रल पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए, कोस्टल सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि एक कॉन्फ्रेंस लेवल का सिस्टम उठा लो, जिसमें स्टेट जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल आपस में कॉन्फ्रेंसेस करके जो हैं जो इमर्जिंग चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर जो है फोकस कर सकें। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्ट प्रिजन्स इन इंडिया आर ओवर क्राउडेड, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट इन 114%, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की हैं ये उस टाइम का जब डेटा है। ओके, तो अंडर ट्रायल्स, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर ट्रायल्स की है। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, जो अवेट कर रहे हैं ट्रायल का, जिनके ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं, अभी उनको कोई कन्विक्ट नहीं किया गया। तो अंडर ट्रायल्स के साथ ऐसा होता है कि उनको कोई इलीग, कई अंडर ट्रायल्स जो होते हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर हैं, ठीक है, वो हमेशा ही अंडर ट्रायल्स रहेंगे, उनको कोई प्रॉपर लीगल एड नहीं मिलती, तो इस वजह से ये अंडर ट्रायल्स का बहुत ज़्यादा इशू है। तो सबसे पहले अगर हम अंडर ट्रायल्स की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लें
तो हमारे जो जेल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया में कई सारे जो हैं प्रिजन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें ये सारे प्रिजन रिफॉर्म्स लिखो, बाकी आप अंडर ट्रायल्स करो, बाकी मॉडर्नाइज करो इसको, इकोसिस्टम को, ये सब बातें। नेक्स्ट इज राइज इन अटेम्प्ट्स टू रिवाइव मिलिटेंसी इन पंजाब। तो ये कहा जा रहा है बेसिकली एक पुलिस मीट हुई तो उसमें ये कहा गया कि पोस्ट 2015 पंजाब में जो टेररिज्म जो है खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ गया। खालिस्तान बेसिकली एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि पंजाब को एक सेपरेटिस्ट स्टेट बनाना है और हमें वहाँ पे जो है खालिस्तान या फिर ये सिख स्टेट है उसी को प्रमोट करना है, हमें ऑटोनॉमी चाहिए और हम अपने रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो ये पंजाब में 1980s में जो खालिस्तान जो टेररिज्म है वो बहुत पीक पे था, लेकिन बाद में उसको बंद बाद में वो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया और कई दो 10-20 साल वहाँ शांति रही। लेकिन अब दोबारा से 2015 के बाद से हम देखें तो ये जो चीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे टेररिस्ट जो हैं 2015-16 में 2017 में 23 टेररिस्ट थे और वेपन्स जो हैं वेपन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, ग्रेनेड्स। ठीक है, तो ये सारा जो है बढ़ रहा है पंजाब में जो है दोबारा से मिलिटेंसी हो रहा है और ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं ये भी बढ़ रही हैं, ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये किया जा रहा है बाय पाकिस्तान। ठीक है, और जो नॉन स्टेक एक्टर्स हैं वो मिलके, तो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म बढ़ाने का वो चला हुआ है। तो ज़्यादा जो है पंजाब में ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट का इसमें नाम आया है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, बाकी तो ये जनरल सी ही बातें हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट क्या है, ये 1967 में पास हुआ। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट की जाती है वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंडर आएगी। तो इसमें टेररिस्ट वर्ड भी डाला गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए। अंडर दिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट ऑफ मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट। ओके, द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे विच योर सेंट्रल डीम्स एन एक्टिविटी अनलॉफुल। सेंट्रल जो है अनलॉफुल करेगी, चार्जशीट 180 डेज का मैक्सिमम हो गया, तो जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होगा तब तक जो बंदा है उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये चार्जशीट का जो है जो ये ड्यूरेशन है ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ओके, डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट हाईएस्ट इसमें पनिशमेंट्स हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि ये एक्ट जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इंडिया में टेररिस्ट एक्ट काम कर रही है। अब क्या हो गया, 2019 में इसको अमेंड किया गया और अब इसमें इंडिविजुअल्स को भी एज टेररिस्ट जो है डेजिग्नेट करा जाएगा। ठीक है, वो इसमें चेंजेस किए गए। 1967 एक्ट वॉज ओनली फॉर एसोसिएशंस बट नाउ इंडिविजुअल्स विल ऑल्सो बी चार्ज अंडर दिस एक्ट एज पर 2019 अमेंडमेंट। ओके, अगर हम देखें 2019 में टेररिज्म अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कब डिक्लेयर करेगी, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स टेररिज्म, इन्वॉल्वड इन टेररिज्म। ठीक है, द बिल एडिशनली एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट जो हैं वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अंडर द एक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ DGP। ये पहले था लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कर रही है तब ये आपको NIA के डायरेक्टर जनरल की परमिशन चाहिए, ये इसमें बताया गया है। क्लियर, तो इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट जो है आपके लिए, मेंस के लिए भी और प्रिलिम्स के लिए भी, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो आज की न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही है, अब हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में।